हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पेटीकोट की कटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। आगे के पोर्शन में मैं इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ कटिंग बता रही हूँ। तो कटिंग के लिए मेजरमेंट हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो कटिंग मैं जो पेटीकोट बना रही हूँ उसकी वेस्ट और लेंथ, ये दो चीज़ें ही बस पेटीकोट में चाहिए होती है, और बाकी बहुत ईजी है इसकी कटिंग करना। तो वेस्ट के लिए हमारी इसकी वेस्ट है 33 इंची। तो 33 इंच का हमें ये हाफ, देखिए मतलब 17 इंच, 17.5 है इंच है, तो ये टोटल 35 इंच हो गया। तो मतलब थोड़ा सा लूज हमें चाहिए, अगर 4 इंच लूज हो जाए तो और बढ़िया होता है। तो इतनी हमें चाहिए, तो हमें 35 इंच हो चुकी है। 33 में से 4 इंच और चाहिए, तो 2 इंच का और मुझे चाहिए एक्स्ट्रा। मैं देख लूँगी कि इतने में मेरी वेस्ट बराबर होती है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी, नहीं तो 2 इंच का कपड़ा छोटा सा और इसमें लगाऊंगी। और इसकी ब्रेथ हम रखेंगे 5 इंच, ब्रेथ 5 इंच रखेंगे इधर से भी और इधर से भी। हम 5 इंच के इस पर निशान लगा देंगे और इसको ऐसे बराबर करके हम कट कर लेंगे। अब इसकी ये फोल्ड करने से ये अच्छी सी सीधी लाइन बन जाती है। आपके पास अगर स्केल नहीं है तो आप फोल्ड करके ऐसे सीधी ऐसे कटिंग कर दें तो ये बराबर अच्छी कटिंग हो जाएगी। अब इसे हम सीधी काट लेंगे। अब हम इस कपड़े को ये 4 फोल्ड कर लेंगे। एक एक पोर्शन हमारा इस तरफ होगा जो ओपन की तरफ होगा, और एक पोर्शन इस तरफ होगा जो ये बंद वाला पोर्शन होगा। तो अब हमें बंद वाले पोर्शन और ओपन वाले पोर्शन दोनों पे कट करना है। तो सबसे पहले हम ओपन वाले पोर्शन पे कट निशान लगाएंगे, ओपन वाले या इस पोर्शन पे जिधर से ये हमारा ये 4 निकल रहा है। तो एक तरफ से हमारी 4 कली निकलेगी और एक तरफ से 2 कली निकलेगी। 6 कली की हम पेटीकोट बना रहे हैं। तो 6 कली की पेटीकोट के लिए हमें 6 कलियां पहले निकालनी है। तो हमारा हमारी ब्रिथ थी 33 इंच, तो 33 इंच थी, तो हमें उसके 6 के मल्टीपल में करने हैं। 6 कली की अगर बना रहे हैं तो हम 6 का मल्टीपल करेंगे तो 5, 6 या 30 होता है। तो अराउंड बाय आपका 5.25 5.25 का ये बनेगा। तो आप उसमें 1/2 इंच ये लेके उसको आप 5.5 इंची, 5.5 इंची की एक ये कली हम काट लेंगे इधर तरफ 5.5 इंची ऐसे, यहाँ हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंची। और इसकी लेंथ पहले माप लेंगे कितनी हमें लेंथ चाहिए। तो लेंथ हमारी 33 इंच थी, तो 2.5 इंच हमारा ये ऊपर के बेल्ट में लग जाएगा। तो उसके बाद हमारा बचेगा 30.5 बचेगा, लेकिन हमें फिर फोल्डिंग के लिए भी चाहिए। तो हम टोटल 33 इंच ही लेंगे इसमें। तो टोटल 33 इंच हम लेंथ पहले माप लेते हैं। हमारी लेंथ टोटल 33 इंच हो चुकी है। यहाँ तक हमने 33 इंच कर लिया, वो कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा बच जाएगा। तो इधर हमने लिया था, ये देखिए इधर हमने लिया था 5.5 इंच, इधर भी हम उतना ही लेंगे 5.5 इंच ही लेंगे। इधर से भी हम इतना लेके फिर इसको हम अब इन दोनों पोर्शन को, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, दोनों को हमने मिलाना है ऐसे, दोनों को हमने मिला देना है बिल्कुल ऐसे करके। आप बराबर मिला के उसके बाद सीधा आराम से ये कट जाती है, ऐसे हम निशान लगा देंगे। आपके पास अगर चौक है तो चौक से इजीली ये कट जाएगी। ऐसे निशान हमने लगा दिया, उसके बाद हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। अब हमने इधर ये ऐसे ये कर लिया। अब इसको दोनों कॉर्नर को ऐसे मिला के और हम इसे नाखून से अच्छे से ये कर देंगे, तो ये हमारे पॉइंट पे निशान बिल्कुल अच्छे से ऐसे बन जाती है।
तो हमारा एक पोर्शन ये बंद वाला हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा और एक पोर्शन ये चार पोर्शन, इसमें ये दो कली निकलेगी और इसमें ये चार कली निकलेगी, तो छह कली की हमारी ये पूरी बन जाएगी। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके अच्छे से दबा देंगे उंगली से, तो ये निशान बन जाती है अच्छी सी, जिससे हमें कट करना इजी रहता है। अब ये देखिए ये निशान बन गई, अब इसमें हम कट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने दोनों पोर्शन कट कर लिया, अब हमें बराबर कर लेना है, ये जो कोना हमारा निकला हुआ है इसको हमें बराबर कर लेना है, ताकि हमारा कॉर्नरिंग, अगर आपके पास मेजरिंग स्केल हो तो उस स्केल से भी आप सीधी ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्केल तो नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको सीधा करना बता देती हूँ। ये जो कोना निकल जाता है आपका ये कॉर्नर, ये अगर हम साथ में सिलेंगे ना, तो एक उरेब होता है और एक सीधा होता है। इसकी जो हम सिलाई करेंगे, सिलाई का तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी, नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी, और इसका भी फुल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों डलेगी। अब ये हमारा पोर्शन हो गया, अब इसको जो थोड़ा एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ है इसको हम यहाँ से बराबर करके ये कट कर लेंगे। ये कैंची थोड़ी मेरी वीक है, कट करके, और उसके बाद इसमें जो जब हम सिलेंगे, ये पोर्शन हमारा डबल हो जाएगा। ये देखिए ये पोर्शन हमारा डबल वाला हो जाएगा, और ये पोर्शन हमारा सिंगल चार कली हो जाएगी। तो ये हमारी कटिंग हो गई आपकी पेटीकोट की। मैं बराबर करके एक बार और फिर अच्छे से आपको बता दूँ। ये देखिए हमने ये ऊपर वाला पोर्शन को कर लिया, अब नीचे वाले पोर्शन को भी ऐसे हम बराबर कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कट होगा उसको बराबर करके हमने थोड़ी सी गोलाई में हमने ऐसे बराबर कट कर लेंगे। और अब हमें इसे सिलना कैसे है, सिलाई का तरीका भी मैं आपको एक बार इसमें भी बता देती हूँ, फिर मैं सिलूंगी। तो एक ये उरेब वाला पोर्शन सिलेगा साथ में, और एक ये वाला पोर्शन, ये ऐसे हम इसको जॉइंट करेंगे, एक उरेब वाला पोर्शन और एक ये सीधी वाली पोर्शन, ऐसे हम इसे जॉइंट कर लेंगे। अगर इसके बाद भी हमें थोड़ा सी सिलाई में मतलब ये हो, तो वो हम बाद में बराबर कर लेंगे। तो चलिए ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट पेटीकोट की। और इस ये वाला जो हमने बेल्ट कट किया था, इस बेल्ट को हम ऐसे फोल्ड करके और फिर इसको हम जोड़ेंगे। तो ये हम ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे और इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग की ये स्टार्ट कर लेते हैं, और आप कटिंग करके रखिए, तब तक मैं फिर स्टिचिंग के भी वीडियोज डालती हूँ। थैंक यू सो मच।